नाम है शिवाला भैया, पता नहीं किस चीज़ की पर्ची काटी जा रही है। ये किस चीज़ की पर्ची काटी जा रही है? दोनों शिवजी महाराज हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। जैसे आपको पता है कि कल तो शिवरात्रि थी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बिजी थे, कल कहीं जा नहीं पाए। तो आज यहाँ पे अमृतसर में एक शिव जी का काफ़ी पुराना मंदिर है, सोचा कि चलो वहाँ पर चलते हैं, बच्चों को घुमा के लाते हैं। काफ़ी दिनों से मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पाया, थोड़ा सा बिजी था। होंगे तैयार होकर हम निकलेंगे, तो चलिए रास्ते में। तो सृजन तो रेडी हो रही है, अपने ड्रेस लेकर आ गए। सेजन ड्रेस दिखाओ अपनी। ये सेजन की ड्रेस है, सेजन अभी तैयार होगी। सेजन कहाँ जा रहे हैं हम आज? शिवालय मंदिर। चलो जी, सेजन तो तैयार हो गई है, बस वो अपनी वीडियोस बनाने में बिजी है। तो चलिए जी, जा रहे हैं अभी। ये लीजिए, आ गए हम मंदिर में। इस मंदिर का नाम है शिवाला भैया। यहाँ पर जूते वगैरह जमा कराए जाते हैं, यहाँ से लोग पूजा के लिए फूल वगैरह लेते हैं। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पर पता नहीं किस चीज़ की पर्ची काटी जा रही है। ये किस चीज़ की पर्ची काटी जा रही है? डोनेशन के लिए। अच्छा, डोनेशन के लिए यहाँ पर पर्ची काटी जाती है। हनुमान जी हैं शायद, हनुमान जी ना, हनुमान जी हैं। ये शिव जी महाराज हैं, माता पार्वती है, साथ में गणेश जी है। ये विष्णु जी है, विष्णु भगवान, विष्णु, ये विष्णु जी है माँ लक्ष्मी के साथ। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण जी। हाँ जी, ओ सॉरी, ऊपर नाम लिखे हुए हैं, श्री सरस्वती जी। समय हो गए, इसलिए आरती चल रही है। अभी कोशिश करते हैं आपको अंदर से दर्शन कराने की, शिवलिंग का दर्शन कराने की।
चलिए जी फाइनली दर्शन हो गए अंदर, और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए तो मैंने मैनेज करके अंदर से कैप्चर करने की कोशिश की, तो बढ़िया दर्शन हो गए हैं। तो गाइस हम जैसे मंदिर से बाहर निकले तो वो सामने रिक्शे पे एक अंकल बैठे हुए हैं कंबल ओढ़ के, तो सृजन ने जैसे उसको देखा, देखने के बाद सृजन बोलने लग गई कि पापा वो अंकल को देखिए कितनी ठंड लग रही है, हमें उनके जाके हेल्प करनी चाहिए। तो चलिए हम अंकल से जाके मिलते हैं, कुछ बात करते हैं। नमस्ते। तो आप मतलब यहीं पर रिक्शा चलाते हैं? हाँ। अच्छा, आपकी फैमिली वगैरह? हैं, हमने शादी नहीं किया। अच्छा, शादी नहीं किया, तो मतलब कोई देखने वाला नहीं है? हाँ। घर पे कोई देखने वाला नहीं है? अच्छा, तो डेली की कितनी आपकी मतलब हो जाती है इनकम? ये रिक्शा अपना है ना किसी और का है? अपना रिक्शा है। हाँ। तो डेली की कितनी हो जाती है इनकम? 300 रुपये हो जाता डेली का। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब बिना कुछ कमाए घर जाना पड़ता है? हाँ, खाली भी जाना पड़ता है। खाली भी जाना पड़ता है। तो आज कुछ इनकम हुई कि नहीं हुई? हुँ? आज कुछ कमाया कि नहीं कमाया? हाँ, कमाया। कमाया है? कितने कमाए आज? 200। अच्छा, अगर मतलब रात को कितने बजे बंद कर देते हो? रात को कितने बजे चले जाते हो? वही 8:30। चले जाते हो? अच्छा, अभी सुबह से निकले हुए हो? हाँ, सुबह निकले। ठीक है जी, तो अगर मैं आपको कुछ पैसे दूँ तो फिर आप चले जाओगे घर ना? अभी भी चलाओगे? हा? अगर मैं आपको कुछ पैसे दूँ तो आप घर चले जाओगे या अभी भी चलाओगे रिक्शा? घर चले जाऊँगा। घर चले जाओगे पक्का? चलिए ठीक है। मेरी बेटी ने आपको दूर से देखा तो देख के बोलने लग गई कि वो देखो अंकल, वो इतने एजेड अंकल है, उन्होंने कंबल ओढ़ा हुआ है और अभी भी रिक्शा चला रहे हैं, तो पापा हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सृजन फड़ी, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये लीजिए अंकल, ये 500 रुपये हैं, रखिए। ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो जितना है उतना मैंने किया है, ठीक है। तो अभी आप ठंड में ज़्यादा रिक्शा मत चलाइए, अब आपकी आज की दिहाड़ी बन गई है, अब घर जाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों। सृजन खुश हो? खुश ना? चलो। तो बेचारे अंकल मतलब ऐसी ठंड के मौसम में भी कंबल ओढ़ के अभी भी रिक्शा चला रहे हैं, इतने एजड है, और बोल रहे थे कि उन्होंने शादी नहीं की, घर पे कोई नहीं उनको देखने वाला। जब मैंने पूछा कि आपने अभी तक कितने पैसे कमा लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि सुबह से निकले हैं लेकिन अभी तक सिर्फ 200 रुपये कमाए हैं। आप सोचिए, सुबह से रिक्शा चलाने को, सारा दिन रिक्शा चलाने के बाद सिर्फ 200 रुपये कमाए हैं अंकल ने। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी हेल्प करनी हो ऐसे लोगों की, ज़रूर हेल्प करें, बदले में वो आपको दुआएँ देंगे, और जो दुआएँ होती हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।